गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम डॉक्टर सुमित चौरान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स, यमुनानगर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पर्सनल हाइजीन। द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू अवर माइंड इज वट इज पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इज हाउ वी लुक आफ्टर अवर बॉडीज। पर्सनल हाइजीन से हमारा मतलब होता है कि हम हमारे शरीर का किस तरह से ध्यान रखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाइजीन रेफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। WHO के अकॉर्डिंग हाइजीन से हमारा मतलब होता है कि वो तरीके जिनको हम फॉलो करके हेल्दी रह सकते हैं और डिसीज फ्री रह सकते हैं। वट डज इट इंक्लूड, हाइजीन में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज ब्रशिंग अवर टीथ, सेकेंड इज वॉशिंग अवर हैंड्स, थर्ड इज वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, नेक्स्ट इज शावरिंग और बेथिंग रेगुलरली, हेयर हाइजीन, ईयर हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बट दीज आर नॉट लिमिटेड टू ऑल दिस, इट मे इंक्लूड मेनी मोर थिंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्रशिंग अवर टीथ। इट इज रिकमेंडेड दैट वी ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे फॉर अराउंड 2 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट हमें हमारे दांतों को दिन में कम से कम 2 मिनट के लिए ब्रश जरूर करना चाहिए। वी शुड विजिट द डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स फॉर ए चेकअप। हमें रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जरूर जाना चाहिए। ब्रशिंग प्रॉपरली रिमूव्स प्लेग, प्लेग कैन कॉज कैविटीज, टूथएक, गम डिसीज एंड इवन अवर टीथ टू फॉल आउट। जब हम ब्रशिंग अगर प्रॉपर करते हैं तो उससे क्या होता है, जो खाना खाते टाइम छोटे मोटे जो पीस होते हैं खाने के जो हमारे दांतों में अटक जाते हैं वो सब निकल जाते हैं। और अगर हम ये सब ब्रश नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, वो टुकड़े दांतों में ही चिपके रह जाएंगे। उससे हमें क्या हो सकता है, कैविटीज़ हो सकती है, दांतों का दर्द हो सकता है, गम डिसीज हो सकती है, मसूड़ों की जो बीमारियां होती हैं वो हो सकती हैं, या फिर हमारे जो दांत होते हैं वो गिर सकते हैं। ब्रशिंग ऑल्सो गिव्स अस लवली फ्रेश ब्रेथ। अगर हम ब्रशिंग करते हैं तो हमारी जो सांसों की खुशबू होती है वो अच्छी रहती है। अगर हम ब्रशिंग नहीं करेंगे तो हमें बैड ब्रेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज वॉशिंग अवर हैंड्स। वॉशिंग अवर हैंड्स का मतलब है कि हम हमारे हाथों को प्रॉपरली कैसे वॉश करें। वी ऑल नो दैट कि हाउ टू वॉश अवर हैंड्स, बट वट इज़ द प्रॉपर वे टू वॉश अवर हैंड्स, टूडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। थिंक अबाउट एवरी डे, एवरी थिंग वी टच इन ए डे। हम दिन में इतनी सारी चीज़ों को छूते हैं जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड कीबोर्ड्स, डोर हैंडल्स एंड स्टेयर बैनिस्टर्स, टॉयलेट फ्लसेस, और यही सब चीज़ें होती हैं जो और लोग भी छूते हैं। वैन वी टच सच थिंग्स वी पिक अप जर्म्स विच वी कैन देन स्प्रेड बाई रबिंग अवर आइज, पुटिंग थिंग्स इन टू अवर माउथ एट्सेट्रा। यही सेम चीज़ें होती हैं जो और लोग भी छूते हैं, उससे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वहाँ चिपक के रह जाते हैं। उससे क्या होता है फिर जब हम उनको छूते हैं उसी सेम जगह पे हमारा भी हाथ लगता है, हमारा हाथ लगता है तो क्या होता है, उस हाथ पे वो जर्म्स आ जाते हैं। फिर वही जर्म क्या करते हैं, उसी हाथों से हम क्या करते हैं, हमारी आँखों को रब कर लेते हैं तो हमारी जो आइज होती हैं उनके अंदर जर्म्स चले जाते हैं। या फिर हम उन्हीं गंदे हाथों से अगर हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है कि वही जर्म्स हमारे स्टमक में एंटर कर जाते हैं। हैंड वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड्स विद सोप और हैंड वॉश एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स, डर्ट, ग्रीस और अदर हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस स्टक टू द हैंड्स। हैंड वॉशिंग एक एक्ट है क्लीनिंग करने का, हमारे हाथों को प्रॉपर साफ करने का, जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी सोप यूज़ करते हैं या हैंड वॉश यूज़ करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं उसको पानी से रिंस ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं, जो धूल मिट्टी होती है या जो ग्रीस वगैरह हमारे हाथों पे लग जाता है या जो भी सब्सटेंस हम नहीं चाहते कुछ भी ऐसा अगर हमारे हाथों पे चिपक जाता है तो उसको हम वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स वॉशिंग हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। WHO के अकॉर्डिंग हमें हमारे हाथों को जब वॉश करते हैं तो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए प्रॉपरली रब करना चाहिए। नेक्स्ट इज वन शुड वी वॉश अवर हैंड्स। कुछ चीज़ें होते हैं जो फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि हाँ इसने भी हमें हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है कि वेन दे आर डर्टी, कॉमन सेंस है, जब भी हमारे हाथ गंदे होते हैं हम क्या करते हैं उनको वॉश करते हैं। बिफोर वी ईट और हेल्प प्रिपेयर फूड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम खाना खाते हैं अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर जर्म्स एंटर कर सकते हैं, इससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर हम दूसरों के लिए भी खाना बनाते हैं जैसे हम सब्जियां वगैरह कट करते हैं, उस टाइम पर अगर हमारे हाथों में जर्म्स लगे होंगे तो वो जर्म्स क्या है खाने के अंदर भी चले जाएंगे और इससे क्या होगा हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी और खाना उसको खाएंगे तो उनको क्या होगा, उन सबको भी फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। आफ्टर पैटिंग एनिमल्स, जब भी हम किसी जानवर को छूते हैं तो उसके बाद हमें हमारे हैंड वॉश कर लेने चाहिए। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आफ्टर वी स्नीज, कफ और ब्लो अवर नोजेस, जैसे ही हमें छींक आती है, हम खांसते हैं या हमें नाक हम साफ करते हैं उस टाइम पे हमें क्या है हमारे प्रॉपर हाथों को साफ कर लेना चाहिए।
बिफोर एंड आफ्टर विजिटिंग समवन हु इज अनवेल, जब भी हम किसी बीमार आदमी को हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या घर पे उसके मिलने जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उसके पास जाने से पहले और उसको मिलने के बाद में स्पेशली क्या करना है, हमें हमारे हाथों को प्रॉपरली वॉश करना है, ताकि जो भी जर्म्स हम, जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम पेशेंट के वजह से हम साथ में ले आए हैं, वो सारे रिंस ऑफ हो जाए। नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट अबाउट अवर नेल्स। नेल्स एक ऐसी चीज़ है जो गर्ल्स यूजुअली क्या करती हैं, बड़ी रखती हैं। बड़े नेल्स की वजह से क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इवन जो डर्ट होती है, वो भी क्या होती है, हमारे नेल्स में फंस जाती है। और जब हम खाना खाते हैं या हम कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे हमें, जैसे हम खाना खाते हैं या हम खाना बनाते भी हैं, तब भी क्या होता है, वो जर्म्स क्या होते हैं, खाने के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर जब हम खाने को खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर हमें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, फूड इन्फेक्शन भी हो सकता है। When washing our hands, it is very important to keep our nails clean. Underneath our fingernails is a great place for germs to hide. क्योंकि ऐसे germs होते हैं जो हमारे nails के नीचे छुपे रहते हैं, वो हमें दिखते भी नहीं हैं। It's best to keep our nails neatly trimmed and clean. इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे nails को time to time trim करें और उनको साफ रखें। And try not to bite them. Especially ये चीज़ important है उन लोगों के लिए जो टेंशन वगैरह में जैसे होते हैं, वो अपने नेल्स को बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो नेल्स में जो जर्म्स होते हैं वो डायरेक्ट उनके स्टमक में एंटर कर जाते हैं और अल्टीमेटिवली क्या होगा, वो बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वियर क्लीन क्लोथ्स। यहाँ वियर क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये है कि हम साफ धुले हुए कपड़े पहने, ना कि हम हर बार नए कपड़े पहने। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू वियर क्लीन क्लोथ्स। इफ़ वी वोर द सेम थिंग ऑल द टाइम, दे वुड गेट डर्टी एंड स्टार्ट टू स्मेल रियली बैड। ठीक है, अगर हम एक ही कपड़ा है, एक ही ड्रेस है जिसको हम बार बार रिपीट में पहनेंगे, तो उससे क्या होगा, वो गंदी हो जाएगी और उसके अंदर से एक गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए उनको वॉश करना टाइम टू टाइम जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर वॉशिंग ऑफ डर्टी क्लोथ्स टू प्रिवेंट डिसीजेस एंड देयर स्प्रेड ड्यू टू सोइल्ड क्लोथिंग एंड हाउस होल्ड लिनन सच एज टॉवल्स। हम क्या करते हैं, जो कपड़े हम रेगुलरली पहनते हैं उनको तो हम प्रॉपरली वॉश कर लेते हैं, लेकिन जो लिनन्स यूज होते हैं घर में, जैसे कर्टेंस हैं, जैसे टॉवल यूज हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, हम टाइम टू टाइम वॉश नहीं करते हैं और उसके अंदर से भी क्या हो सकता है, हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर क्लटर हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए उनको भी रेगुलर क्या है, वॉश करना जरूरी है। रिमेंबर टू चेंज योर सॉक्स एंड अंडरगारमेंट्स एवरी डे। जो हमारे सॉक्स होती हैं, जो हमारे अंडरगारमेंट्स होता है, उनको हमें याद से हर दिन बदलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे फीट होते हैं स्पेशली, उनके अंदर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। हम सबको पता है जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या इवन डे टू डे लाइफ में भी जब हम चलते हैं या कुछ भी हम पैरों की एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर से पसीना रिलीज होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारे जो पैर होते हैं उनके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो स्वेटी हो जाते हैं, वो पसीने में गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम रेगुलर हमें सॉक्स चेंज करनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पैरों की स्मेल से बचे रह सकें। प्लस क्या है, जो फंगल इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं पैरों में हमारे, उनको भी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शावरिंग और बेदिंग रेगुलरली। इसका मतलब है कि हमें डेली नहाना चाहिए और डेली शावर लेना चाहिए। लाइक अवर फेस, अवर बॉडी ऑल्सो डील्स विद स्वेट एंड डस्ट डेली। इफ वी डू नॉट टेक ए शावर रेगुलरली, वी कुड डेवलप स्किन इन्फेक्शन लाइक बॉडी एक्ने, बॉडी ऑडर एंड पिंपल्स एटसेट्रा। जैसे हमारा फेस गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है, स्वेटिंग आ जाती है, इसी तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या है, कवर्ड होने के बाद भी, क्लोथ्स में कवर्ड होने के बाद भी उसके अंदर क्या है, पसीना आ जाता है, उसके ऊपर भी धूल मिट्टी लग जाती है। इसीलिए क्या करना है, हमें रेगुलरली नहाना जरूरी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्किन है उसमें कुछ जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं, जैसे पिंपल्स हो गए या बैड ऑडर होगी, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी हाइजीन विल अलाउ टू गेट रिड ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल्स एंड डर्ट ऑफ अवर बॉडी, अलाउिंग द स्किन टू ब्रीथ। अगर हम प्रॉपर नहाएंगे डे टू डे लाइफ में, अगर हम प्रॉपर नहाएंगे, प्रॉपर हमारे बॉडी को साफ रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी अनप्लेजेंट स्मेल है, जो भी बुरी स्मेल हमारी बॉडी के ऊपर से आ रही है, या जो भी धूल मिट्टी हमारे ऊपर लग गई है खेलते टाइम या वैसे डे टू डे लाइफ में, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम स्किन से रिमूव कर सकते हैं। और इवन जो हमारे बॉडी के ऊपर जो फर्स्ट लेयर के ऊपर जो डेड सेल्स होती हैं स्पेशली, उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, ओपन पोर्स हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि हमें स्किन जो है वो सांस ले पाएगी और उसमें पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। इट इज़ असेंशियल टू हैव ए बाथ वंस और ट्वाइस अ डे यूजिंग शावर जेल और बॉडी शेप सोप, देन ड्राई अवर बॉडी विद ए क्लीन टॉवल एंड वियर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स। हमें क्या करना है, नहाने के लिए हमें कोई भी साबुन ले लेनी है या फिर कोई भी शावर जेल ले लेना है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर हमारी बॉडी को साफ करना है। हमें उसके बाद क्या करना है, हमारी बॉडी को नहाने के बाद हमें साफ तौलिए से पोंछना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, साफ और धुले हुए कपड़े ही पहनने हैं। नेक्स्ट इज हेयर हाइजीन।
हेयर आइजन क्या है कि गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गर्ल्स होती है स्पेशली वो क्या करती हैं, बड़े बाल रखते हैं, लंबे बाल रखते हैं, लेकिन उनकी जो केयर होती है वो प्रॉपर वो केयर नहीं करती हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, जो हमारे स्कैल्प होती है, जो हमारे सिर की जो स्कैल्प होती है उसके ऊपर क्या है, ऑयल रिलीज होता रहता है हमारी बॉडी में से। फिर वो क्या होता है कि जो हमारे बाल होते हैं वो ग्रीजी हो जाते हैं, ऑयली दिखने लग जाते हैं, स्कैल्प में कुछ बीमारियां हो जाती हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसलिए क्या हमें हेयर हाइजीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अवर हेयर टेंड टू प्रोड्यूस ऑयल्स दैट अक्यूमुलेट ऑन अवर बॉडी मेक इट अपीयर ग्रीजी, ठीक है। हमारी स्किन होती है रेगुलरली क्या करती है, उसमें से ऑयल रिलीज होता है, फिर वो क्या होता है अक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है उसका धीरे धीरे, और हमारे जो बाल होते हैं या फिर हमारी स्किन भी होती है अगर हम नहाते नहीं हैं प्रॉपरली तो वो भी क्या होती है उसको भी ऑयली लगने लग जाती है। प्रोलोंगिंग अवर हेयर वॉश सेशंस विल ओनली लीड टू एक्सेसिव ऑयल रिलीज, डैमेजिंग अवर स्कैल्प एंड हेयर स्ट्रक्चर। अगर हम फ्रिक्वेंटली हमारे वो बाल हैं जो उनको नहीं धोएंगे जब उनकी जरूरत है वॉश करने की उनको, अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर जो हमारा जो सिर है उसके ऊपर बहुत सारा ऑयल चिपक जाएगा, उससे क्या होगा हमारी जो स्कैल्प है वो खराब हो जाएगी, और स्कैल्प खराब होगी तो हमारा डेफिनेटली हेयर स्ट्रक्चर भी खराब हो जाएगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू डैंड्रफ एंड हेयर फॉल इश्यूज इन मोस्ट पीपल, इससे क्या हो सकता है हमें डैंड्रफ हो सकता है, हमें लाइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जुओं की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अल्टीमेटली क्या होगा हमारे जो हेयर फॉल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट प्रॉपर हेयर हाइजीन इनटू अवर रूटीन, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारे हाथ जो सिर है उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें। फॉलो ए रूटीन एंड वॉश अवर हेयर वंस और ट्वाइस अ वीक, हमें क्या करना है हमारे बालों को रेगुलर वॉश करना है, एटलीस्ट वीक में एक बार तो हमें वॉश करना ही है। अगर हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेली हेयर वॉश करनी चाहिए। मसाज अवर स्कैल्प विद शैम्पू टू गेट रिड ऑफ द डेड सेल्स एक्सेसिव ऑयल एंड डर्ट, हमें क्या करना है जैसे ही हम हेड वॉश करते हैं तो हेड वॉश करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, हमें क्या करना है पहले बालों को गीला करना है, उसके बाद हमें क्या करना है शैम्पू अप्लाई करना है, शैम्पू अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है हल्के हाथों से शैम्पू को मसाज करना है, ठीक है, और उसके बाद हमें जो है बालों को साफ पानी से रिंस ऑफ कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईयर हाइजीन। ईयर हाइजीन कॉमन चीज़ है लेकिन उसके बाद हम अवॉइड करते हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ईयर हाइजीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर जो है हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ हाउ ईयर वैक्स एक्यूमुलेट्स ओवर टाइम, हम सबको पता है कि कान के अंदर जो होती है वैक्स जो है टाइम टू टाइम क्या इकट्ठी होती जाती है। इफ़ नॉट क्लीन ऑफन इट कैन कॉज इन्फेक्शंस एंड इवन हियरिंग लॉस, अगर हम कानों को प्रॉपर साफ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा हमें ईयर इन्फेक्शंस हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है परमानेंट ईयर लॉस भी हो सकता है, हियरिंग लॉस भी हमें हो सकता है। क्लीनिंग अवर ईयर रेगुलरली विल हेल्प अस अवॉइड सच इश्यूज एंड मेंटेन अवर ईयर हाइजीन, अगर हम हमारे कानों को जो है प्रॉपर साफ रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी ईयर इन्फेक्शन वगैरह है या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम है उनको हम दूर रख सकते हैं। मेंटेनिंग अवर ईयर हाइजीन इज एन एफर्टलेस टास्क, क्लीन ईयर्स यूजिंग ए सॉफ्ट कॉटन क्लोथ आफ्टर ए बाथ, जो कानों को साफ रखने का प्रोसेस है कोई ज़्यादा टफ नहीं है, एक बहुत ईजी प्रोसेस है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं नहाने के बाद हमें क्या करना है कॉटन का कोई भी साफ कपड़ा लेना है, उससे हम हमारे कानों को साफ करेंगे। गेट इन टच विद ए डॉक्टर इफ़ यू हैव इमेंस पेन वेन क्लीनिंग योर ईयर्स, हमें क्या करना है हमें जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनको उनके पास जाना चाहिए अगर हमें ईयर में कोई भी दिक्कत होती है, स्पेशली जब हमें कान में पेन फील हो रहा है या हमें कान के अंदर पानी जब हमारे चला जाता है यूजुअली क्या होता है उस टाइम में हमें पेन फील होता है, हमें सुनाई भी नहीं देता, तो उस टाइम में क्या करना है खुद से कोई भी अल्टरनेटिव करने की बजाय हमें ENT स्पेशलिस्ट को सीख करना है। अवॉइड यूजिंग ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर्स एज इट कैन लीड टू इंजरी, स्पेशली क्या होता है जो कॉमन मिस्टेक हम सब करते हैं हम कानों को साफ करने के लिए ईयरबड्स को यूज़ करते हैं जो कि गलत है। ईयरबड्स को अगर हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम स्पेशलिस्ट नहीं है हमें नहीं पता है कि ईयर ड्रम कहाँ तक है तो हम क्या कर सकते हैं गलती से हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकते हैं, और ईयर ड्रम क्या होता है हमारे कान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो डैमेज हो जाएगा तो उसका हम रिप्लेसमेंट भी नहीं करवा सकते हैं और उसकी वजह से हम क्या करते हैं हमें सुनना बंद हो जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली गर्ल्स के लिए क्योंकि जो मासिक धर्म के टाइम पे जो हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है गर्ल्स को उसके बारे में सब इतना अवेयर नहीं होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है इतने सारे इन्फेक्शंस फैलते हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस फैलते हैं इतने स्पेशली, और उसकी वजह से क्या होता है उनको लॉन्ग टर्म में इवन इनफर्टिलिटी तक की दिक्कत भी हो सकती है। द फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसा कि नाम से पता चल रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आता है ये सारी चीज़ें, जब हमें मासिक धर्म हमारा चल रहा होता है उस टाइम हमें हमारी बॉडी को किस तरह से साफ रखना है। इट रिक्वायर्स बेसिक फैसिलिटीज सच एज अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, शोकेस मटेरियल,
वाटर शॉप एंड टॉयलेट फैसिलिटीज विद प्राइवेसी। हमें क्या करना है, हमें जब मासिक धर्म आ रहा होता है हमें, तो उस टाइम पे हमें क्या बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें साफ कपड़ों की जरूरत पड़ती है, हमें कोई भी ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जैसे कि जो ब्लड है उसको हम सोक कर सकें, हमें साफ पानी की जरूरत होती है, हमें साबुन की जरूरत होती है, जो टॉयलेट फैसिलिटीज होती हैं उनकी जरूरत होती है। आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसे हम क्या है सोकेज मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ एंड थ्रो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कॉस्टली होते हैं, हालांकि इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, हालांकि कॉस्टली होते हैं, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है हमारे लिए कि इसको हर कोई आज के टाइम में भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। क्लोथ पैड्स होते हैं जो हम यूजली घर पर भी बना सकते हैं और मार्केट में भी खरीद सकते हैं। क्लोथ पैड्स का क्या है कि हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, इनको प्रॉपर अगर हम रेगुलर वॉश करते रहें तो हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सैनिटाइज करके प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेंस्ट्रुअल कप आजकल एक ट्रेंड में चीज है, जो नया ट्रेंड है स्पेशली जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंटल में क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल कप होता है इसको क्या कर सकते हैं हम मल्टीपल टाइम्स सेम चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं वॉश करके प्रॉपर, और ये मेडिकल ग्रेड की जो सिलिकॉन होता है उससे बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज टैम्पॉन्स स्पेशली यूज़ करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सनस होते हैं, स्पेशली जो स्विमिंग वगैरह करते हैं, जो इस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो टैम्पॉन्स को यूज़ करते हैं। टैम्पॉन्स भी क्या होते हैं, सैनिटरी पैड्स की तरह ही डिस्पोजेबल आइटम होते हैं। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनिनेस। हमें क्या करना है, हमें जो मेंस्ट्रुएशन हो रही है, हमें जब पीरियड्स चल रहे हैं, हमें क्या करना है उस टाइम पे प्रॉपर हाइजीन और साफ सफाई मेंटेन रखनी है। ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट टू प्रोवाइड द बॉडी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हमें एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खानी है, हमें उस टाइम पे फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है जिससे कि जो हमारी बॉडी में से जो ब्लड लॉस हो रहा है हमें उसको हम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, जो वीकनेस हमें उस टाइम पे स्पेशली फील होती है हम उसको कवर अप कर सकें। मेंटेनिंग एंड एक्टिव लाइफस्टाइल वाइल अवॉइडिंग स्ट्रेस एंड टेंशन, हम क्या कर सकते हैं हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, जैसे डांस वगैरह कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर लाइट एक्टिविटीज जैसे कि लाइक इवन लिसनिंग ए म्यूजिक, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और ऑटोमेटिकली हम क्या है उस टाइम पे हैप्पी रहेंगे। नेक्स्ट इज टेक इट, जो कुछ गलतियाँ हैं जो हम करते भी हैं लेकिन हम उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए। फर्स्ट इज टेक ए बाथ और शावर एटलीस्ट वंस ए डे, ठीक है। ये हमने इन जनरल भी डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, हमें डेली नहाना है और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे तो स्पेशली ये हमें स्किप करना ही नहीं है। यूज़ क्लीन अंडरगारमेंट्स एंड क्लीन देम एंड चेंज देम रेगुलरली, हमें क्या करना है जो अंडरगारमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको हमें रेगुलरली चेंज भी करना है और उनको हमें साफ भी करना है ताकि हम उनको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें। चेंज पैड्स और टैम्पॉन्स रेगुलरली, हम जो भी डिस्पोजेबल पैड यूज़ कर रहे हैं या डिस्पोजेबल टैम्पॉन यूज़ कर रहे हैं उनका हमें ध्यान रखना है कि हम उनको हर 6 घंटे बाद चेंज कर दें, ठीक है। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो हमें क्या हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वॉश द जेनाइटल एरिया विद प्लेन वाटर आफ्टर ईच यूज़ ऑफ टॉयलेट एंड इवन आफ्टर यूरिनेशन, जैसे हम यूरिनेशन करते हैं या हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, ये ज़रूरी है कि हम क्या करें हमारे जो जेनाइटल एरियाज हैं उनको प्रॉपर साफ पानी से साफ करें। कीप द एरिया बिटवीन द लेग्स ड्राई अदरवाइज यू मे एक्सपीरियंस चाफिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वजाइना हैज़ इट्स ओन क्लीनिंग मैकेनिज्म एंड एन एक्सटर्नल क्लीनिंग एजेंट लाइक डिओडोरेंट और सोप शुड नॉट बी यूज इनसाइड इट। हमारा जो वजाइना का सिस्टम है, जो हमारे जेनाइटल्स होते हैं स्पेशली, उसका क्या होता है कि एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट होता है, एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है एक्सटर्नली हमें कुछ भी कोई भी जो केमिकल मार्केट में जो डिओडोरेंट्स वगैरह आते हैं वो सब यूज़ करने की हमें जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि वजाइना की स्किन जो है वो इरीटेटेड हो जाती है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट हाइजीन प्रैक्टिसेस, कुछ गलतियां हैं हम सब करते हैं, तो सबसे फर्स्ट है कि अनक्लीन सैनिटरी पैड मटेरियल्स, हम क्या करते हैं एक ही पैड है उसको हम चेंज ही नहीं करते हैं, 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, इससे क्या होता है कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और हमें क्या कर सकता है वजाइनल में इरिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें हर 6 घंटे बाद पैड को चेंज करना है। नेक्स्ट इज चेंजिंग पैड्स इनफ्रीक्वेंटली स्किन इरिटेशन बाई वेट पैड्स, हमें स्पेशली क्या होता है कि हम कॉलेज में आते हैं या हम कहीं ट्रैवल करते हैं, हम क्या करते हैं पैड को चेंज ही नहीं करते, उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है स्किन इरिटेशन हो सकती है या फिर हमें लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन भी कोई हो सकता है स्पेशली। यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेंट टैम्पॉन्स ड्यूरिंग लाइट ब्लड लॉस और नो मेंस्ट्रुएशन, हम क्या करते हैं कई बार एडवांस में ही जो पैड वगैरह होता है, जो टैम्पॉन होता है उसको हम लगा लेते हैं, उसको हम लगाए रखते हैं,
जो स्पेशली जो एक सैनिटरी पैड होता है या टेम्पोन होता है उसके अंदर एक मटेरियल होता है जो सोक करता है वाटर को, या फिर जो ब्लड जो रिलीज होता है उसको सोक करता है, ठीक है। अगर हम उसको बिना ब्लीडिंग के टाइम पे ही हम यूज़ करते हैं तो जो मटेरियल होता है वो हमें कैंसर तक कर सकता है, इसीलिए हमें इस तरह की चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वॉशिंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट फॉलोइंग यूरिनेशन और डेफिकेशन। हमें क्या करना है, जब हम टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना है, उसको प्रॉपर वजाइना को साफ करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनसेफ डिस्पोजेबल ऑफ यूज्ड सैनिटरी मटेरियल्स और ब्लड। हम क्या करते हैं, हमें आज भी हम बहुत सारी गलतियाँ यही करते हैं, बहुत बार गलतियाँ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो सैनिटरी पैड है उसको यूज़ करने के बाद हम प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स हैं वो गंदी तो लगती हैं, उसके साथ में क्या है डिसीजेज भी उससे बहुत सारी फैल सकती हैं। लैक ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर चेंजिंग इन ए सैनिटरी टॉवल। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम सैनिटरी पैड वगैरह चेंज करते हैं या हम चेंज करते हैं, वैसे भी टैम्पोन वगैरह को भी चेंज करते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा हैंड वॉश नहीं करते हैं। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, हम क्या करते हैं ऐसे कैसे हमने पैड चेंज किया और हमने आगे मूवमेंट ले ली, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, हमें पैड चेंज करने के बाद हमारे हाथ इतनी जगह पे लगते हैं तो जो पैड के ऊपर जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या है अलग जगह पे भी जा सकता है, तो वो ट्रैवल कर सकता है एक तरह से वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इससे क्या हो सकता है, इवन जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर हमने पैड चेंज करने के बाद हमने खाना बना दिया या उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर उससे क्या होगा फिर इन्फेक्शन फैलेगा, सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्पोजिंग ऑफ यूज सैनिटरी पैड। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनको पैड यूज़ तो करना आता है लेकिन उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करना आता है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट क्या करना है, हमें क्या करना है, कभी भी जो यूज्ड पैड होता है उसको हमें कभी भी फ्लश नहीं करना होता, इससे क्या होगा जो टॉयलेट सीट है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रैप इन ए पेपर, हमें जो यूज्ड पैड है उसको लेना है, उसको पेपर में रैप करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको डस्टबिन में डालना है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर डस्टबिन को क्लोज कर देना है, हमें ओपन वाला जो डस्टबिन होता है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आखिर में हमें क्या करना है, एट द लास्ट जो हम भूल जाते हैं वो नहीं भूलना है, एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। हमें हमारे हाथों को प्रॉपर साबुन के साथ वॉश करना है। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं पर्सनल हाइजीन के, द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन इज फर्स्ट इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। अगर हम हमारी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो इससे क्या होगा, हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्प्रेडिंग इन्फेक्शन टू आवर फैमिली मेम्बर्स एंड पीपल वी इंटरेक्ट विद डेली बेसिस। यूजुअली क्या होता है, घर में अगर एक को जुकाम हो जाता है तो दूसरे को भी हो जाता है, क्योंकि ये वायरल डिसीजेज होती हैं, तो इसलिए अगर हम ठीक रहेंगे, हम हमारी हेल्थ मेंटेन रखेंगे तो डायरेक्टली क्या है, हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्दी रख सकते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन अवर स्किन पीएच लेवल्स, मेकिंग इट हेल्दी एंड ग्लोइंग ओवर टाइम। हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अगर हम प्रॉपर जो फेस है उसको वॉश रखेंगे, हम प्रॉपर शावर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी स्किन का एक पीएच लेवल होता है वो मेंटेन रहेगा, इससे क्या होगा हमारी स्किन ग्लोइंग रहेगी और हमारी स्किन हेल्दी भी रहेगी। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अस अवॉइड गेटिंग इनटू अनप्लेजेंट सिचुएशन सच एज स्वेट ऑडर। अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हम क्या होगा, जैसे हम डेली अगर नहा रहे हैं तो हमारी स्मेल, हमारी जो बॉडी है उसमें से गंदी स्मेल नहीं आएगी, और अगर हम कई कई दिन में नहा रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी होती है उसकी में अंदर से क्या है पसीने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, फिर जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल वाले भी इवन होते हैं वो हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो हम इस तरह की जो अनप्लेजेंट सिचुएशंस हो सकती हैं उनसे बच सकते हैं। इट हेल्प्स रिगेन अवर कॉन्फिडेंस, अपीयर अट्रैक्टिव एंड एनहेंस ओवरऑल पर्सनैलिटी। अगर हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे से हेयर हाइजीन मेंटेन रखेंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, हम अच्छे दिखते हैं और हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है डेफिनेटली वो इम्प्रूव होती है। थैंक यू सो मच।